दस वर्षों में सपा बसपा के 10 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा। योगी आदित्यनाथ जी ने 4 वर्षों में 4 नई सुगर मिलें लगाई, साथ ही साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों के क्षमता वृद्धि करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री हमारे साथ में हैं। सुरेश राणा जी, आज आपने बात की तमाम, आप सरकार ने जो 25 रुपए का रेट बढ़ाया है, विपक्ष कह रहा है चुनाव को लेकर के आप ये फैसला लेकर के आए हैं, किसान खुश नहीं, ऐसा कहते हैं। मैं अभिनंदन करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले कर रही है। गन्ना किसानों को हमने लगातार फोकस किया है। जहां तक विपक्ष की बात है, तो जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया था, उस सारे बकाया भुगतान को करने का काम योगी सरकार ने किया। लगातार चीनी मिलें बंद होने का क्रम जारी था। 10 वर्षों में सपा बसपा के 10 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा। योगी आदित्यनाथ जी ने 4 वर्षों में 4 नई सुगर मिलें लगाई, साथ ही साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों के क्षमता वृद्धि करने का काम किया। अभी भी जो 25 रुपया पर कुंटल भाव बढ़ाया है, अगले सत्र में 4,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त गन्ना किसानों के खाते में इस भाव के बढ़ने से जाएगा और मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, लगातार किसान को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल करने का काम दोनों सरकारों ने किया है और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हर उपाय के लिए हम लोग गन्ने के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के जो सांसद है वरुण गांधी वो पत्र लिखते हैं कि 400 होना चाहिए था, 50 रुपए का बोनस दिया जाना चाहिए। सर्वाधिक गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, 8 लाख हेक्टेयर योगी सरकार के काम से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों ने 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किसान मोदी योगी सरकार के साथ कितना मजबूती के साथ की मांग जायज लग रही है आपको जो लिख रहे हैं पत्र को 350 रुपए क्विंटल को लेकर के जिस तरह कल से उत्तर प्रदेश में किसानों में भारी उत्साह है, और मैं कह सकता हूं, मैं किसानों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक गन्ने के क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा एथेनॉल के उत्पादन वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश। साफ तौर पर, खुले तौर पर मंत्री कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बार बार इस बात की तस्दीक करते हैं कि 350 रुपए का मूल्य देकर के सरकार ने वो किया है जो पिछले सरकारें यूपी में नहीं कर पाई। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।